नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। वर्ल्ड स्तर पे हम बात करेंगे भाई कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए। आपको पता है लगभग 25 मार्च और 20 मार्च के बीच में लगभग फ्लाइटें बंद हो चुकी थी। मार्च लास्ट तक तो पूरी तरह से पूरा वर्ल्ड बैन हो गया था फ्लाइट से रिलेटेड। लेकिन अभी कोरोना पिक लगभग कंट्रियों में आके जा चुका है। जी हाँ साथियों, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे पिक जो कोरोना महामारी है वो आके वापस जा चुकी है। तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने फ्लाइटें रीस्टार्ट कर दी हैं। जी हाँ साथियों, 35 देशों में साथियों बता दूं पूर्ण रूप से फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। 35 देशों में फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। 72 देशों में कुछ फ्लाइटें स्टार्ट हुई हैं, जैसे 25% 30% फ्लाइटें 72 कंट्रीज 72 कंट्रीज में स्टार्ट हो चुकी है। और अभी 96 कंट्रीज में फ्लाइटें पूरी तरह से बैन है। जी हां साथियों, 96 कंट्री ऐसी भी हैं आज तक में बता दूं 18-19 जुलाई तक में कि एक भी फ्लाइटें अभी वहां आने जाने का स्टॉप रखा हुआ है, फ्लाइटें बैन है। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का दबा दें ताकि फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दूं साथियों, अभी जो कंट्री फ्लाइट स्टार्ट करने वाली हैं उनमें अभी चीन, अमेरिका, इटली, फ्रांस, ईरान, जापान, दक्षिणी कोरिया, इसमें फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं पूरी तरीके से। और इसको देखते हुए साथियों अमेरिका ने भी भाई अमेरिका और फ्रांस के लिए, जी हां साथियों, अमेरिका और फ्रांस के लिए इंटरनेशनल फ्लाइटें स्टार्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है, घोषणा भी कर चुके हैं। 17 से 31 जुलाई तक अमेरिका के लिए फ्लाइटें इंडिया से जाने वाली हैं और 18 जुलाई से 1 अगस्त तक फ्रांस के लिए इंडिया से फ्लाइटें जाने वाली हैं। जी हाँ, इनके अलावा 35 कंट्रियों में साथियों यूक्रेन, इंग्लैंड, आयरलैंड, मेक्सिको, अफगानिस्तान आदि कंट्रीज ने भी फ्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन इन सभी कंट्रीज के अलग अलग नियम है साथियों क्वारंटाइन से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, तो हम आगे बात करेंगे। जैसे आप यूक्रेन जाना चाह रहे हैं तो आपको साथियों कोविड-19 कवर करने के लिए इंश्योरेंस बीमा आपके पास होना जरूरी है, तभी यूक्रेन आपको इजाजत देगा फ्लाइट करने के लिए। तुर्की पहुंचने वालों का PCR टेस्ट किया जाता है। जी हाँ, मिस्र में आपको 14 दिन आइसोलेशन रहना जरूरी है मिस्र में अगर आप जाते हैं तो। मेक्सिको में अगर आप जाते हैं तो आपका कोविड-19 जो है उसका स्कैन किया जा रहा है, अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। अमेरिका में ब्राजील, चीन, ईरान, शंगेन क्षेत्र, आयरलैंड या यूके का दौरा करने वाले नागरिकों पर आने पर रोक है। जी हाँ, इन कंट्रियों के लोग अमेरिका में नहीं जा सकते, इंडिया के लिए रोक नहीं है भाई। बाकी देशों के नागरिक, कोई भी बाकी देशों के नागरिक हैं वो अमेरिका जा सकते हैं। चीन में भी अभी हांगकांग, मकाऊ, ताइवान के लोग ही आ जा सकते हैं, बाकी कंट्रीज के लोग नहीं जा सकते। इटली में EU, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया, इन देशों के लोग ही आ जा सकते हैं, बाकी देशों के लोग नहीं जा सकते। न्यूजीलैंड जो कंट्री है उन्होंने अभी तक सामोन, टेगोन, टोगन या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को ही अभी तक इजाजत दी है। जी हाँ साथियों, आप समझ गए होंगे भाई ये फ्लाइटें इन कंट्रियों के लगभग 35 कंट्रीज ने फ्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं, ये प्रोसेस है। तो मैंने आपको बता दिया कि अभी आप कौन कौन सी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे।